हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को ये पता ही होगा कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म था वो भराना शुरू हो चुका है। तो आइए जानते हैं किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से एसएससी का, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह से भर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर sarkarirezult.com सर्च करना है। sarkarirezult.com सर्च कर लेना है। फिर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाना है। स्क्रॉल करके जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद पूरा नोटिफिकेशन एसएससी का जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे देख सकते होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि एसएससी का जो ऑनलाइन फॉर्म था वो 17 मई से शुरू हो चुका है। 17 मई से लेके ये चलेगा, 16 जून तक चलेगा। आप 16 जून तक अपना आखिरी फॉर्म भर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये चार्ज लगेंगे और एससी और एसटी के लिए कोई चार्ज नहीं लगेंगे और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको करेक्शन कराना है तो फर्स्ट टाइम करेक्शन चार्ज 200 रुपया है और सेकेंड टाइम 500 रुपया है। और आप यहाँ पे एज क्राइटेरिया देख रहे होंगे, 18 से लेके 25 साल तक के लोग भर सकते हैं और एज रिलेक्शन है अपने कैटेगरी ऊपर। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा टोटल पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टोटल पोस्ट जो है वो 835 पोस्ट है। 835 पोस्ट है जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए 559 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 276 पोस्ट है। और इसके लिए जो है वो 10+2 पास होना ज़रूरी है। और आपका जो टाइपिंग स्पीड होगा वो इंग्लिश में 30 वर्ड होगा और हिंदी में होगा 25 वर्ड होना चाहिए टाइपिंग स्पीड जो होगा वो। और फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका जो एसटी ओबीसी जनरल के ऊपर कितना कितना सीट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको जो फिजिकल जो होता है, फिजिकल एबिलिटी जो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइट कितना होना चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, आप यहाँ पर पूरा पूरा देख सकते हैं। तो चलिए ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरते हैं देखते हैं। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक हेयर करके लिखा हुआ आ रहा है, आपको इसमें सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा पूरा फॉर्म खोल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे जैसे कि अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, आप एसएससी का कोई भी फॉर्म नहीं भरे हैं, आप अभी तक एसएससी का जो भी फॉर्म भराता है वो कोई फॉर्म नहीं भरे हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप पुराना कैंडिडेट है तो आपको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे लॉगिन करना है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे भर लिया हूँ और यहाँ कैप्चा कोड मैं भर लिया हूँ। अब सीधे लॉगिन पे क्लिक करूँगा मैं। लॉगिन में क्लिक करते के साथ ही आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुआ है यहाँ पे दिखा रहा है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। तो आपको इसमें यहाँ पे आपको देखने के लिए अप्लाई मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई दिख रहा है। जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद यहाँ प्रिंट दिखाई दे रहा है, उसमें आप प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म भर लेते हैं, फिर पेमेंट कैसे किया जाता है मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई, आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। आप ओल्ड कैंडिडेट होंगे तो ये सब बाकी कुछ भरा हुआ होगा, ये सब आपको भरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले से भरा हुआ रहेगा। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है। स्क्रॉल करके जाने के बाद आप यहाँ पे 15 नंबर पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि डू यू प्रोसेस ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाइड इन द सेंट्रल लिस्ट और बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अगर आप दिल्ली फुल, अगर आप, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट जो होगा वो दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। लेकिन मेरा, मैं ये एसटी कैंडिडेट से हूँ, ये यस या नो पे
ये किसी भी वर्क नहीं करेगा, यस करो तो भी नो करो तो भी ये वर्क नहीं करेगा, केवल ये ओबीसी लोग के लिए वर्क करेगा। जो गवर्नमेंट दिल्ली सरकार द्वारा जो ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किया गया वो लोग यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है थोड़ा सा, ये सब कुछ नहीं खुलने वाला है, ये सब कुछ नहीं खुलने वाला है। आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके, आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 17 नंबर पे वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। क्या आप कोई दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंटल से कोई वर्क करते हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। तो मैं किसी प्रकार का वर्क नहीं करता हूँ, नो कर देता हूँ। नो में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे 18 नंबर पे जो लिखा हुआ आ रहा है वेदर सन डॉटर, जो आप दिल्ली पुलिस का जो एमटीएस का जो होता है वैकेंसी वहाँ कुछ काम करते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो नो करेंगे। तो मैं किसी प्रकार नहीं करता हूँ तो नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 19 नंबर पे स्पोर्ट कोटा से, अगर आप हैं नेशनल स्पोर्ट कोटा से हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं हैं तो नो करेंगे। तो मैं यहाँ स्पोर्ट कोटा से नहीं तो नो कर देता हूँ। नो में क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे 20 नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। क्या जो एग्ज़ाम जो आप देंगे वो किस माध्यम में देना चाहते हैं, क्या इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं? तो मैं हिंदी में हिंदी माध्यम से एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो मैं हिंदी को क्लिक कर देता हूँ। हिंदी माध्यम से मुझे देना है, मैं हिंदी पे क्लिक कर दिया। फिर आपको और एक बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है सेम चीज़ और एक बार करना है। तो मैं हिंदी कर देता हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 3 सेंटर चूज करना है जिसमें आप जाके आसानी से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको जो भी सेंटर नज़दीक पड़ता है वो चूज करें, मैं अपना 3 सेंटर चूज कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना 3 सेंटर चूज कर लिया, फर्स्ट नंबर पर रांची, सेकंड नंबर पर जमशेदपुर, थर्ड नंबर पर धनबाद, 3 सेंटर चूज कर लिया। करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन से हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो मैं किसी प्रकार एक सर्विसमैन नहीं तो नो कर देता हूँ। नो करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको एज पर रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करेंगे, आपको एज पर छूट चाहिए तो यस करेंगे, अगर नहीं है चाहिए नहीं चाहिए तो नो करेंगे। तो मुझे किसी प्रकार के एज पर छूट नहीं चाहिए, मैं इसमें नो पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं एनसीसी कैंडिडेट से हैं तो यस करेंगे, अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस अन्यथा नो करेंगे। तो मेरे पास किसी प्रकार के एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं जो मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, जो आप जो जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आप अपना जो टाइपिंग टेस्ट देंगे वो हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं या इंग्लिश में? तो मैं यहाँ पे अपना इंग्लिश मीडियम चूज कर लेता हूँ क्योंकि टाइपिंग इंग्लिश ही आसान होता है। अब अपना सुविधा अनुसार जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी देना है वो अपना हिसाब से यहाँ पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू प्रोसेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। आप जो रक्षा यहाँ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो नो करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। नो करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जो हायर क्वालिफिकेशन है, आप कितना हाईएस्ट कितना तक पढ़ाई की है वो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपना हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लिया हूँ, फिर आपको इधर नीचे दिखाई देगा यहाँ पे आपको आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट करना है, आपको स्टैंडर्ड है या क्वाली आप यहाँ अपियरिंग है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं 12वीं पास कर चुका हूँ। ये इसलिए ये ऑप्शन है क्योंकि जो ये वैकेंसी निकाला गया है वो 12th पास के लिए है या फिर जो अपियरिंग है उनके लिए है। तो मैं इसमें स्टैंडर्ड कर देता हूँ, 12th स्टैंडर्ड है मेरा, मैं इसमें कर दिया। फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्टेटस और पासिंग ईयर, आपको इसमें वही चीज़ भरना है जो 12th का जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैं यहाँ सब कुछ भर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स था वो पूरा यहाँ भर लिया हूँ।
पासिंग ईयर यहाँ पे 2018 भर लिया हूँ, आपका जो यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी से पास किए हो आप यहाँ पे चूज करेंगे, मेरा झारखंड यूनिवर्सिटी है तो मैं झारखंड यूनिवर्सिटी यहाँ पे चूज कर लिया हूँ। फिर आपका जो एकेडमिक नेम जो भी होता है वो मेरा जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची पड़ता है तो मैं ये सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना है, फिर आपको यहाँ पे अपना परसेंटेज भरना है, फिर आपको उसके बाद आपका CGPA अगर है तो CGPA डालेंगे अन्यथा नहीं डालेंगे। फिर आपको इधर 20 नंबर पे देखने के लिए देख रहा है, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो SSC के साथ आप अपना शेयर करना चाहते हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो, आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, यस करेंगे तो भी नो करेंगे तो भी, तो मैं इसमें यस कर देता हूँ, इससे इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आ जाती है आप इधर नीचे फ़ोटो अपलोड करने के लिए, जो आपका फ़ोटो होगा वो 20 KB से लेके 50 KB के बीच होना चाहिए, और आपका जो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो फ़ोटो होगा वो 17 फरवरी से बाद का यानी फरवरी मार्च अप्रैल आसपास का होना चाहिए, आपका फ़ोटो जो है वो 3 महीना से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 17 फरवरी से बाद का मार्च अप्रैल आसपास का होना चाहिए। तो चलिए मैं अपना फ़ोटो और आपका जो सिग्नेचर होगा आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका सिग्नेचर 10 से 20 KB का होना चाहिए, तो मैं अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे डाल दिया हूँ, और आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अच्छे तरीक़ों से डालना है, ज़्यादातर लोगों का रिजेक्ट हो जाता है अगर आप फ़ोटो अच्छे से नहीं डालते हैं तो, आपका फ़ोटो रिजेक्ट होने आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने की चांसेस रहती है, तो आपको जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो अच्छी तरीक़ों से डालना है, तो मैं अपना फ़ोटो और सिग्नेचर डाल लिया हूँ। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है नीचे देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपका जो पूछ रहा है कि आपका जो फोटोग्राफी है क्या 17 फरवरी के बाद का है यानी फरवरी मार्च अप्रैल आसपास का है, तो है यस करना है इसे, मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री दिखाई दे रहा है, एग्री पे क्लिक करना और आपको एक कैप्चा कोड भरना है और प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो मैं अपने यहाँ भर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना कैप्चा कोड यहाँ पे भर लिया हूँ, अब यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। प्रीव्यू में क्लिक करने के साथ ही आपको ऐसे देखने के लिए आपका जो पूरा बायोडाटा देखने के लिए मिल जाएगा, आपका जो क्या क्या चूज किए थे वो सब देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। मैं नीचे स्क्रॉल करके जाता हूँ, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ सेंटर चूज किया था, ये सेंटर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हमको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, जाते ही देख सकते हैं अपना फ़ोटो और सिग्नेचर, मैं फ़ोटो और सिग्नेचर का जो SSC ने जो अपना जारी किया है आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह का होता है मैं ये दिखा देता हूँ, आप किस तरह से अपना फ़ोटो डालेंगे ताकि रिजेक्ट ना हो, तो मैं दिखा देता हूँ आप फ़ोटो किस तरह से डाल सकते, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं SSC ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें दिया है कि फ़ोटो किस तरह से आपको डालना है, इसमें जो आपका कान होना चाहिए वो अच्छी तरीक़ों से दोनों दिखाई देने चाहिए, और आपका जो बैकग्राउंड होगा यहाँ पीछे साइड पूरा वाइट होना चाहिए, अगर आप इस तरह का फ़ोटो डालते हैं अच्छे तरीक़ों से तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और आप इधर नीचे देख सकते हैं और कुछ दिखाया गया है डेमो फ़ोटो, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स्ट्रा कलर डाल देंगे फ़ोटो में, आधा फ़ोटो डालेंगे, टोपी पहन के फ़ोटो डालेंगे, और आपको नीचे और दिया गया है फ़ोटो, आप इस तरह का धुंधला फ़ोटो डालेंगे, आपके इधर ब्लर फ़ोटो डालेंगे और ज़्यादा डार्क फ़ोटो ब्लर डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की चांसेस रहती है। तो SSC ने जिस तरह का आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको उल्टी फ़ोटो नहीं डालनी है, ये धुंधला फ़ोटो नहीं है, ये चश्मा वाला फ़ोटो नहीं चलेगा। उसके बाद नीचे और भी दिया गया, आपको यहाँ टेढ़ा देख यहाँ दिखा हुआ है ऐसे फ़ोटो नहीं डालना, आपको छोटा फ़ोटो नहीं डालना है, चश्मा वाला धुंधला फ़ोटो नहीं डालना है, अगर SSC जिस तरह से बताया गया है ये सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह का फ़ोटो डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर डालने के बाद अगर आपको अपना फॉर्म में कहीं गलत लगता है तो आप यहाँ पे एडिट मॉडिफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसमें क्लिक करके एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आपका जो फॉर्म है वो सही तरीक़ों से है तो आप इसमें सीधे सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो मेरा फॉर्म सही तरीक़ों से है तो मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबमिट का, मैं सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप अपना फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, सबमिट करने के बाद आप किसी में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते हैं, तो मैं श्योर हूँ कि मेरा एप्लीकेशन है वो पूरा तरीक़ों से सही तरीक़ों से भर लिया हूँ, उससे मुझे किसी भी प्रकार का उससे दिक्कत नहीं, तो मैं ओके कर देता हूँ।
ओके करने के बाद मेरा फॉर्म है सबमिट हो रहा है, तो मुझे प्रिंट करने के लिए दे रहा है। तो मैं यहाँ प्रिंट अभी करके दिखाता हूँ मैं, इस तरह से आप अपना फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। आपको फॉर्म भर लेने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रिंट का। फिर आपको अगर जैसे आप OBC जनरल EWS से आते हैं तो आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे पेमेंट दिखाई दे रहा, आप इसमें जाकर अपना पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या आपका पेमेंट था वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। और एप्लीकेशन स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका पेमेंट किसी कारणवश अगर आपका पेमेंट जो है वो अनसक्सेसफुल शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन और पेमेंट जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको इसमें क्लिक करना है। तो मैं अपना स्टेटस चेक करके दिखा देता हूँ। मुझे पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि मैं एक ST कैंडिडेट से हूँ, इसलिए मुझे कोई पेमेंट चार्ज नहीं देना पड़ा। तो मैं अपना स्टेटस चेक करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस, तो मैं चेक करके दिखा देता हूँ क्या मेरा फॉर्म क्या दिखाई दे रहा है। मैं क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मेरा जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो शो कर रहा है। अभी जो जैसे कि MTS का पिछले बार जो लोग भरे हैं वो लोग का भी ऐसे दिखा रहा है कंप्लीट कंटेंट नॉट वेरीफाइड। तो अभी जो मेरा जो फॉर्म था वो SSC के पास पहुंच चुका है, लेकिन वो अभी चेकिंग नहीं हुआ है। तो ये कुछ ही दिनों में चेकिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।